Assalamualaikum second year class. Welcome to the online biology class. Today we will start our lecture number 5 from chapter number 24, that is evolution. आज जो टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन चैप्टर से वो है एविडेंसेज ऑफ एवोल्यूशन. एविडेंसेज ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो डार्विन की थ्योरी के बारे में था. जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि डार्विन ने जो थ्योरी पेश की थी उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है एवोल्यूशन परस्पेक्टिव में. उस डार्विन की उस थ्योरी को यानी हम ये कहेंगे कि डार्विन की वो जो थ्योरी थी उसके लिए बहुत से एविडेंसेस जो हैं वो साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं. जैसे जैसे एडवांसमेंट होती चली गई उसके साथ साथ जो है वो एवोल्यूशन वाकई में होती है, उसके अंदर वाकई ही नेचुरल सिलेक्शन वाला फिनोमेना है, मॉडिफिकेशन होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर. तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स पेश किए गए थे एवोल्यूशन की इस थ्योरी में उसको डिफरेंट ब्रांचेस सपोर्ट करती हैं. हम आज के टॉपिक में उन्हीं ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ एग्जाम्पल के साथ ये शो करेंगे कि किस तरह से ये एवोल्यूशन की जो थ्योरी पेश की गई थी डार्विन ने वो वाकई में करेक्ट है. जिन ब्रांचेस में से हम आज एविडेंसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे दैट इंक्लूड बायोजियोग्राफी, फॉसिल रिकॉर्ड जिसको हम पैलियंटोलॉजी का नाम भी देते हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ये कुछ ब्रांचेज हैं जो कि जिनके बारे में हम डिटेल से इस टॉपिक में पढ़ेंगे. आज हमने सिर्फ दो ही पॉइंट को डिस्कस करना है दैट इंक्लूड बायोजियोग्राफी एंड फॉसिल रिकॉर्ड. आज हम इन दोनों ब्रांचेज से डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये एवोल्यूशन के हवाले से हमें एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं. चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम बायोजियोग्राफी की. पार्ट वन में सबसे पहले चैप्टर में आपने इस ब्रांच का नाम सुना होगा बायोजियोग्राफी, जहाँ जू जियोग्राफी के नाम से वर्ड मेंशन था जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल. यहाँ पे बायोजियोग्राफी एक मेन ब्रांच है जिसका बेसिकली इस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म पूरे प्लैनेट अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. हाउ डज़ द ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ अर्थ और डिफरेंट रीजन में किस तरह उनके डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो ब्रांच है वो बायोजियोग्राफी कहलाती है. अब बायोजियोग्राफी इज़ द फंडामेंटल एविडेंस, मेन बेसिक एविडेंस है जो कि डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करता है. क्योंकि डार्विन का जो मैंने आपको एक्सपेडिशन शो के बताया था जो कि बीगल के ऊपर उसने नॉर्थ अमेरिका का किया था, वो अपने आप में ही एक जो सारी की सारी जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी वही बायोजियोग्राफी के ही ब्रांच उसको कवर कर रही होती है कि किस तरह यूरोप से उसने जब ट्रैवल किया नॉर्थ अमेरिका की तरफ तो नॉर्थ अमेरिका में जो उन्हें स्पीशीज़ मिली या गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जो मिली वो किस तरह बाकी तमाम रीजन से क्या थी वो डिफरेंट थी. तो यही बायोजियोग्राफी जो है वो एक ब्रांच है जो कि सपोर्ट करती है इस डार्विन की थ्योरी को, राइट. तो इनिशियली सारा यही एक्सप्लेनेशन है. यहाँ ब्रांच के अंदर हम एक एग्जांपल है हमारे पास, आप यहाँ फिंचेस की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि वो जो है वो स्पेसिफिकली गैलापागोस पे थी, कहीं और आइलैंड पे नहीं मिली. तो इसका मतलब क्या था कि कुछ हद तक अगर करेक्टर रिजेंबल करें इट मीन्स कि वो कॉन्टिनेंट जब जियोग्राफिक बैरियर्स की वजह से वो सेपरेशन हुई उनकी तो वो उनके एंसेस्टर्स उन्हीं एरिया में थे और आगे आके मजीद उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया. यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास गिवन है वो आर्मेडिलस की है. कंटेम्प्रेरी आर्मेडिलस जो हैं, आर्मेडिलस जो है वो मैमल्स की एक टाइप है. इनको आर्मर्ड मैमल भी कहा जाता है क्योंकि इनकी बैक के ऊपर जो है वो बिल्कुल ऐसे जैसे हथियारों से वैसे लेस इसको कहा जाता है आर्म मैमल्स, राइट, या आर्मेडिलस जो है इनके ऊपर भी बिल्कुल उसी तरह के पॉइंटेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होते हैं. इनके बारे में कहा जाता है दे आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स ऑफ अर्लियर स्पीशीज दैट ऑक्यूपाइड दीज कॉन्टिनेंट्स, राइट. तो बायोजियोग्राफी ने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया कि जो इनिशियली आर्मेडिलस हैं वो जो कॉन्टिनेंट सेपरेट हुए थे वहाँ पे भी इनके जो है वो एंसेस्टर्स प्रेजेंट थे, जो कि शो करता है कि बायोजियोग्राफी जो है वो अगेन प्रोवाइड एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है हमें एवोल्यूशन का. नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड ब्रांच है वो है फॉसिल रिकॉर्ड की, जिसको हम पैलियंटोलॉजी का नाम भी देते हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय फॉसिल? फॉसिल बेसिकली क्या है कि जो भी एनिमल या प्लांट के डेड रिमेन्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं और कई अरसे के बाद वही अगर प्रिजर्व्ड स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो उनको हम फॉसिल का नाम देते हैं. किसी भी फॉसिल का मिलना, चाहे वो एनिमल का है या प्लांट का, ये बहुत बड़ा एविडेंस है कि यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म इस टाइम ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहे थे. और उसके बाद हम ये देखते हैं कि आया इनकी स्पीशीज़ अगर मौजूद हैं तो हम देखते हैं उनमें चेंज क्या है, और अगर नहीं मौजूद तो इसका मतलब है वो एक्सटिंक्ट हुई, जिसके पीछे अगेन रोल क्या होगा वही डार्विन की थ्योरी कि नेचर ने उनको सिलेक्ट नहीं किया कि वो आगे जो है वो अपनी नस्ल को बढ़ा सकें. यहाँ पर फॉसिल रिकॉर्ड में वैसे तो
बहुत से एग्जांपल हैं, लेकिन दो एग्जांपल यहाँ पे बताई गई हैं जो कि एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन जो है उसके तौर पे उसको एक्सप्लेन करती हैं। पहली जो है वो है प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का बनना। हम ये पॉइंट इस चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स जो हैं जैसे यानी एंडोसिम्बायोंट थ्योरी का को देख लें आप, या फिर आप मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस को देखें, दोनों ही ऐसे हाइपोथेसिस हैं, या हाइड्रोथर्मल वेंट्स वाला जो मैंने एक्सपेरिमेंट जो पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था, वो तीनों ही तीनों पॉइंट ऐसे हैं जो ये शो करते हैं कि इनिशियल जो टाइप ऑफ सेल पहले प्रेजेंट था या ऑर्गेनिज्म की टाइप जो मौजूद थी वो क्या थी, वो प्रोकैरियोट्स थी, और बाद में उनसे कौन से डिराइव हुए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। लेटर ऑन बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी में भी जितनी एडवांसमेंट हुई, उन्होंने भी इसी एविडेंस को जो है या इसी फिनोमेना को या हाइपोथेसिस को प्रूव किया था कि वाकई ही जो प्रोकैरियोट जो है वो अर्लियर ऑर्गेनिज्म है जिनसे यूकैरियोट डेवलप हुए थे। दूसरे एग्जांपल हमारे पास जो फॉसिल रिकॉर्ड में मिलती है वो है वर्टिब्रेट की एवोल्यूशन। वर्टिब्रेट आप जानते हैं कैसा बहुत बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। 5 हम क्लासेस पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 पार्ट 1 में, आपने इनके बारे में कॉर्डेटा फाइलम में डिटेल में पढ़ा है। तो अगर हम उनकी एवोल्यूशनरी लाइन को देखें जो कि हमें फॉसिल रिकॉर्ड से बेसिकली पता चलती है, तो उसमें फिश की आप पूरी की पूरी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो आप उसके फॉसिल रिकॉर्ड से मालूम कर सकते हैं। नंबर 2 जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनमें फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और उसके बाद उससे दो और ब्रांचेस डेवलप हुई, एक बर्ड्स और दूसरी मैमल। तो ये दो बेसिकली जो है एग्जांपल हैं हमारे पास जो कि फॉसिल रिकॉर्ड में इंक्लूड होती हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है जिस पॉइंट में आपको समझ नहीं आया हो, तो स्टूडेंट आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर टेक्स्ट कर सकते हैं, टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगे ताकि वो आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।